समय मैं इस परिस्थिति में निर्दल प्रत्याशी के रूप में इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं विगत जब से मैं मतदाता बना तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक करवट सिपाही के रूप में कार्य करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं दल का काम किया। चूंकि 2004 में मेरे साथ कुछ हत्यायों द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, मेरी हत्या की स्थिति हो गई थी, उसके बाद भी मैं सिपाही के रूप में काम करता रहा। 2005 में विधायक जी की हत्या हो गई, उसके बाद भी भय बना हुआ था, पूरे शहर में भयभीत वातावरण था। उसके बाद मैं पहली बार 2006 में चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा, मामूली सी मत से मैं हारा। उसके बाद मैं फिर 2006 में विधायक की हत्या हो जाती है, मैं 2012 में एजाजी लग से मैं लड़ा, 500-600 वोट से मैं हारा। उसके बाद लगातार एक सिपाही के रूप में मैं काम करता रहा और आज तक अभी भी मैं उससे मेरी मन की भावना दूर नहीं हुई है। और मैं प्लीत होकर के एक ऐसे आदमी को दलने एक दलाल को, एक मंसूर अंसारी के पार्टनर को, उसका पैसा लगाया हुआ है, जमीन का काम करता है और पिछले दिनों अपने भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध बगावत करके लड़ा और दल ने उसे किस लालच में आकर के उसको पुनः जो है लिया करके अपना प्रत्याशी बनाया। इससे मैं दुखी होकर के और निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं जनता जनार्दन से मैं अपील करता हूं कि मैं अपने जीवन का 30 साल इस शहर को निर्विवाद रूप से सेवा दिया हूं, इसलिए मैं जनता से करवट प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस संकट की घड़ी में मेरी सहायता करें। ऐसे में तेजू जी, आपने जो अपनी पूरी बातें बताई हैं तो इसको देखकर यह लगता है कि जो आपका नगर पालिका मोहम्मदाबाद है वो एक परिवार के करीबियों के इर्द गिर्द घुमा करती है, क्या लगता है इस चुनाव में जनता आपका साथ देगी ताकि उनका वर्चस्व टूटे, या क्या लगता है? जी, मुझे पूरा विश्वास है जनता पे, जनता मेरा साथ देगी। और जो 25 साल से लगातार इस नगर पालिका पे बैठे हुए हैं उनका वर्चस्व टूटेगा और जनता मुझे अपने सहयोग से मुझे जिता करके एक सेवा करने का अवसर देगी और मैं जनता का आभारी रहूंगा।